हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कमल्स किचन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो मैंने बहुत अरसा पहले चिकन के साथ बनाई थी, शिनवारी चिकन कढ़ाई। तो मैंने उसका लिंक मैं दे दूँगी। और ये मैं बना रही हूँ, ये मैंने DI खान में खाई थी शिनवारी मटन कढ़ाई के साथ। बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स हैं इसके, बहुत ही कम और उसमें बनाई जाती है ये। और आइए अब किचन की तरफ चलते हैं और मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और कैसे बनाना है इसको, मैं सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूँगी। शिनवारी मटन कढ़ाई के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता दूँ। ये मटन है, 1/2 kg मटन है। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट का पानी मैंने हल्का सा निकाला हुआ है। और ये प्याज का पानी भी मैं असल में अभी मैरिनेट करूँगी इन्हीं चीज़ों से। और 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट है। और इसके अलावा ये ग्रीन चिलीज़ हैं, हरी मिर्चें हैं ये 5 से 8 अदद। और ये 3 से 4 अदद टमाटोज़ हैं। तो अभी तो मैं आपको चिकन, अब मैं मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया। और ये ऑनियन का पानी था, ये प्याज का पानी निकाल के और ऑनियन चॉप थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल की थी, ये स्मॉल ऑनियन थी। और ये अब ये डाल दिया मैंने ऑनियन। और ये सॉल्ट डालूंगी मैं, सॉल्ट 1/2 teaspoon में सॉल्ट डाल दूंगी इसमें और बाकी इसमें डालूंगी, शामिल करूंगी। और ये मैं अब मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख दूंगी, अब और सारे इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लें। मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून शामिल किया था और ऑनियन चॉप और ऑनियन का पानी और ऑनियन चॉप 1 टेबलस्पून तक। और ये देखें मैं ये सॉल्ट डाल रही हूँ, 1/2 teaspoon तक मैं सॉल्ट इसमें डाल रही हूँ। और फिर इसको मिक्स और बना लूँ मैं। ये मैंने देखें ये लहसुन अदरक का पानी मैंने डाल दिया इसमें, 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक लिया था और उसका मैंने पानी शामिल कर दिया। और 1 onion ली थी स्मॉल और उसको चॉप करके और उसका पानी भी निकाल के मैंने शामिल कर दिया। और ये हल्का सा मैं नमक भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये 1/2 teaspoon ऑफ मैंने ये ऐड किया है, ये सॉल्ट भी शामिल कर दिया है। तो मैं अभी इसको 2 घंटे तक मैं ये देखें ये मैरिनेट करके रख दिया। आप ये मैंने मटन विद बोन्स लिया था, ये देखें बोन्स हैं, बोन्स के साथ ये मटन है, 1/2 kg बोन्स के साथ मटन मैंने लिया है। तो मैं आज शिनवारी कढ़ाई जो है मटन के साथ मैं बनाऊंगी ये। और मैंने इसको मैरिनेट करके और फ्रिज में रखूंगी मैं इसको 1 से 2 घंटे मैरिनेट करके। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स फिर मैं अभी आपको और अभी बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। अभी मैं इसको मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में। शिनवारी मटन कढ़ाई के मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूँ तो इंग्रेडिएंट्स ये हैं, 4 से 5 अदद आप टमाटोज ले लें। इसको मैं पूरा आगे उसका क्या प्रोसीजर है मैं अभी जब गोश्त जब मैरिनेट हो जाएगा तो फिर मैं चढ़ाऊंगी उसको प्रेशर कुकर में। और मैंने जो DI खान में जो शिनवारी कढ़ाई खाई थी उसमें थोड़ा सा ये ज़ीरे का भी मज़ा आ रहा था तो मैं ज़ीरा पाउडर डालूंगी इसमें। और ये ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। और ये सॉल्ट है, 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट लेने, बस दैट्स इट, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। और फिर मैं अभी गोश्त को मैंने मैरिनेट करके रख दिया, उसमें प्याज का पानी और लहसुन का पानी और थोड़ा सा 1/2 teaspoon ऑफ नमक भी डाला है उसमें। और फिर मैं अभी उसको कैसे चढ़ाऊंगी कैसे पकाऊंगी वो फिर मैं आपको अभी बताती हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। वाला प्रेशर कुकर है, सिटी वाला, इसमें मैंने ये देखे मैरिनेटेड जो गोश्त था मटन वो मैंने डाल दिया है इसमें। और अब मैं इसमें ये 3 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। और वो जो TI खान में जो था वो तो चर्बी इसमें शामिल करते थे, चर्बी का तेल, तो मैं जो है ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं ये देखें सॉल्ट 1/2 जो रह गया था, क्यूमन ब्लैक पेपर पाउडर और क्यूमन पाउडर अब मैंने ऐड किया है इसमें। और अब मैं ये टमाटरों को 2 पीसेस करके इसमें काट के और फिर छिलकों समेत अभी डाल रही हूँ। तो फिर जब अभी ये 5 सीटी में इसको पकाऊँगी, 5 से 8 सीटी में आप रख रहे हैं। अब पानी भी ऐड कर दिया है मैंने और ये प्रेशर कुकर अब मैं ऑन कर चलाती हूँ, चूल्हा मैंने चला लिया था तो अब मैं रखती हूँ। मैंने चूल्हा खोल लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है मैंने, अब ये पक रहा है, इसकी भाप बनेगी तो मैं आपको दिखा दूँगी कितनी सीटियाँ हुई हैं। तो ये अभी मैंने चढ़ा दिया है गोश्त।
अभी मैं आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, इसकी दो सीटियाँ बोल चुकी हैं तो अभी तीसरी सीटी भी बोलेगी। तो मैंने इसको 6 से 7 सीटी में ये पका था गोश्त, इसमें पानी थोड़ा सा भी ये होता है। फिर मैंने ये असल में DI खान में ये शनवारी कढ़ाई गोश्त के साथ मटन के साथ मैंने ये खाई थी, तो मैं इसी की रेसिपी जो है शेयर करूँगी। ये मेरे ग्रुप में भी है, वो चिकन के साथ बनाई थी, ये मैं अब मटन के साथ बना रही हूँ। ये 6 सीटियाँ हो गई हैं और मैंने देखिए ये फ्लेम भी ऑफ कर दिया है, तो अभी ये ठंडा होता है प्रेशर कुकर। तो फिर मैं अभी इसको निकाल के और फिर मैं बाकी जो है कढ़ाई में या कढ़ाई टाइप सा वो पैन है, पैन में मैं बाकी चीज़ें और भी अभी मिर्च डाल के और फिर इसका वो टमाटरों का छिलका उतारना है, वो भी मैं उतार के आपको दिखाऊंगी अभी। फिर अभी ये फिर मैं इसको खोलती हूँ। अब ठंडा हो गया है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, अब मैं जो है ये टमाटरों की जो है स्किन छिलका उतार रही हूँ। मैं जो टमाटर रखे हुए थे उसका छिलका उतार के और फिर मैं इसको पैन में या कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी। इसको अभी जितने भी ये मैंने 3 से 4 अदर टमाटर मैंने 2-2 पीसेस इसके कर लिए थे, वो शामिल कर लिया था, तो छिलका नहीं उतारा था इसका। तो डिस्कार्ड दी स्किन ऑफ टमाटोज देन शिफ्ट दी पैन एंड कुक। ये देखिए ये जितने भी हैं ये मैंने निकाल लिए हैं, सारे छिलके उतार लिए हैं इसके स्किन टमाटर स्किन मैंने। और ये अब मैं देखें पैन में शिफ्ट कर रही हूँ उसको, ये दूसरे पैन में कढ़ाई में या मेरे पास ये पैन था, मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ इसको। ये अब मैं दूसरा चूल्हा जो है पैन में या कढ़ाई में आप इसको बाकी का डालें। तो अब ये देखें इसमें ये गार्निश किए हैं हरी धनिया, हरा धनिया और जिंजर स्लाइसेस, और मैंने अभी ये ग्रीन चिलीज 8-10 ग्रीन चिलीज मैंने इसमें फुल, आप तो आप चाहें तो हाफ हाफ काट लें, मैंने अभी ये फुल इसमें डाली है। बाकी इन्ग्रीडियंट्स मैं डाल चुकी थी इसमें, और थोड़ा सा क्यूमन पाउडर थोड़ा सा और मैंने शामिल किया था इसमें 1/2 टीस्पून तक, और ये ग्रीन चिलीज अभी ऐड कर दिए हैं। और बस अभी पानी खुश्क होगा तो फिर, क्योंकि कढ़ाई है ये तो इसमें पानी खुश्क होना चाहिए, तो अभी होगा तो फिर मैं अब वाटर जो है कम्प्लीटली ड्राई हो गया है वाटर, अभी थोड़ा सा पानी है तो मैं अब इसको भून रही हूँ, थोड़ा सा भून रही हूँ ताकि जो मैश टमाटोज हैं थोड़े से वो, और टमाटर भी गल गए थे वैसे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको भून रही हूँ ताकि टमाटर भी बिल्कुल हल हो जाए इसमें सालन में। और बस अब मैं इसको 5 मिनट तक भूनूंगी। इसको मैंने ग्रीन चिलीज भी ऐड कर ली थी, और आप चाहें तो इसमें 1/2 काट के कर लें, और टमाटोज की स्किन उतार के भी अब मैं मैश कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको भून रही हूँ, वाटर इज़ कम्प्लीटली ड्राई एंड देन डिश आउट दी। अब मैं इसको भून रही हूँ, अच्छी तरह से भून रही हूँ ये में, और देखें पानी भी मुकम्मल जो है कम्प्लीटली ड्राई एंड मटन इज टेंडर कम्प्लीटली टेंडर एंड देन डिश आउट। और अब मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी मैं आपको डिश आउट करके सारा। अब ये जो है भून रही हूँ, 5 मिनट तक पकाती हूँ बस, और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ बस। ये देखें ये मैंने अब डिश आउट कर लिया है कढ़ाई में, डिश आउट करके गरम गरम आप नान और चपाती के साथ सर्व करें। और ये गार्निश किया है मैंने इसको हरा धनिया और जिंजर स्लाइसेस के साथ, तो हरा धनिया तो वहाँ पे ज़रूर डालते हैं। ये DI खान मैंने शनवारी मटन कढ़ाई खाई थी, तो ये कि DI खान की शनवारी मटन कढ़ाई इसे मैं कहती हूँ। शेयर माई रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड मस्ट फॉलो द इंस्टाग्राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आपको तस्वीरों में भी दिखा दूंगी मैं ये देखें बिल्कुल इसको थोड़ा सा बिल्कुल वो खुश्क होती है बिल्कुल, और इसमें लेमन स्लाइसेस भी पड़े होते हैं, आप इसमें लेमन स्लाइसेस भी डाल दें इसमें, और ये मैंने जिंजर स्लाइसेस डाल के इसको सर्व करें। और ये हमारा और बाकी तस्वीरों में अच्छी सी मैं दिखा दूंगी, और लाइक्स एंड कमेंट्स ऑल्सो।